रिसेंटली मैंने आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर एक स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू किया था जिसका नाम है कोजीविट जेल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में एक पोल किया था छोटा सा, जिसमें मैंने पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। सो मोस्टली लोगों ने बोला कि हमें एक और स्किन वाइटनिंग क्रीम के ऊपर वीडियो चाहिए। सो अगर आप इस पे और कंटेंट देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये वापस से एक दूसरी क्रीम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो कि ये क्रीम थोड़ी सी डिफरेंट है कोजीविट से, बिकॉज ये थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव है एंड साथ ही साथ इसे आप अपने डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रीम आपको आपके स्किन वाइटनिंग के साथ साथ आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगी, आपके कोई भी किसी भी तरह के मार्क्स हैं उनको भी रिमूव करेगी। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मार्क्स की, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ स्कार्स की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्कार्स इस क्रीम से रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, और ना ही ये क्रीम आपके एक्ने पिंपल्स को रिमूव करेगी। ये सिर्फ आपके डार्क स्पॉट्स, आपका जो भी स्किन टोन है उसको लाइटन अप करेगी एंड जो भी आपका जो छोटे मोटे मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों को रिमूव कर देगी। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कोजीविट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमेलिन क्रीम के बारे में। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है। तो इस क्रीम के अंदर तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं एंड तीनों ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, साथ साथ आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये एक स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी सेफ है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग टर्म तक भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको डिटेल में बताया वीडियो में, थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। तो ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एंड AHA आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे नहीं होते इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके ऑयलीनेस को रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि अगर मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर AHA है ना, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो AHA काफ़ी माइल्ड होता है, इसलिए वो आपके ऑयल को इतने अच्छे से रिमूव नहीं कर सकता। तो AHA का काम ये होता है कि आपकी स्किन की जो तीन लेयर्स होती हैं, पहली जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। तो ये क्या है, उसको एक्सफोलिएट करते हैं जिससे कि जो भी आपका डस्ट एंड डर्ट होती है, जो भी आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं वो आपके एपिडर्मिस पे होते हैं, वो धीरे धीरे उसको एक्सफोलिएट करती है, जिसकी वजह से आपके डार्क स्पॉट एंड जो भी आपकी स्किन है जो टैन हो गई है वो धीरे धीरे जो है लाइटन अप होने स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है अल्फ़ा आर्बुटिन। अल्फ़ा आर्बुटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन। मेलानिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है स्किन में तो आपका स्किन का कलर डार्क होगा, मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है तो आपकी स्किन का कलर जो है वाइटिश होगा। इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कि मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा आपकी स्किन में या कम रहेगा, ये आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है नेचुरली लाइटन अप होना स्टार्ट हो जाती है। एक सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि भैया जब हम इस तरह की क्रीम्स को अगर स्टॉप कर देते हैं तो क्या हमारा जो कलर है जो भी वाइटन अप हुआ था वो क्या वापस से ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए ये क्रीम स्टेरॉयड बेस्ड नहीं है, जो कि क्या होता है ना स्टेरॉयड क्रीम्स के साथ जब आप उनको छोड़ देते हो तो उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आपका कलर जो है लाइटन अप होता है वो वापस से पहले से भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन इन क्रीम्स के साथ में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जब आप इसको बंद कर देते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आपको अपने फेस में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एक बार गोरे हो जाएंगे तो आप हमेशा गोरे रहेंगे, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डल हो सकता है एंड ये ज़रूरी नहीं है सभी के साथ में हो। अगर अपने फेस के आप अच्छे से टेक केयर करोगे तो जो आपको भी जो भी रिजल्ट मिले हैं वो परमानेंट रहेंगे। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड तीसरा जो इसके इंग्रेडिएंट है उसका नाम है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एक फंगस से ड्राइव होता है एंड एसिड्स के नाम से घबराइएगा मत, बिकॉज मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया इसके अंदर एसिड है ये हमारी स्किन को जला देगा। तो देखिए इस एसिड्स डिपेंड करते हैं कि उनका पीएच कितना होता है। ठीक है, सो अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है, सपोज HCl उसका पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं बना होता है। तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होता है, आपकी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग ही होता है, तो ये आपकी स्किन को जलाएंगे नहीं। तो आप ऐसे घबराइएगा मत कि अगर आप कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरह की आपको जो है प्रॉब्लम नहीं देंगे ये एसिड्स। सो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कोजिक एसिड डिप्लीमेटेड। तो कोजिक एसिड डिप्लीमेटेड एक कोजिक एसिड का एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूप है।
तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है नॉर्मल कोजिक एसिड से, इसीलिए अगर आप इस तरह की क्रीम्स को यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को लाइटन अप करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको वापस से यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने कोजीवेट जेल की वीडियो में भी बोली थी, कि अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नेज एंड पिम्पल्स की कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह की फेयरनेस क्रीम यूज़ नहीं करनी है, आपको कोजीविट भी यूज़ नहीं करनी है, आपको डीमेलन भी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग वापस से कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि हम इनको एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वापस में बता देता हूँ, आप एक्ने के कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपके एक्ने इससे ठीक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को किसको यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए एंड किनको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहली बात कि किनको यूज़ करना चाहिए, अगर आप अपनी स्किन को, आपकी स्किन टोन को लाइटन अप करना चाहते हैं, ब्राइटन अप करना चाहते हैं, या आपको थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं अपने फेस पर अगर उनको रिमूव करना चाहते हैं, तब आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डार्क स्पॉट्स कम है तो आपको 2 से 3 वीक में रिजल्ट मिल जाएंगे, अगर डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप इसको मैक्सिमम 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने लगातार यूज़ करने के बाद थोड़ा सा गैप देके आप इस क्रीम को वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो वापस मैं बता दूँ, ये एक स्टेरॉयड क्रीम नहीं है, इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किनको इस क्रीम को यूज़ नहीं करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप इस क्रीम को यूज़ ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप एक प्रेग्नेंट वीमेन हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आपको इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ये इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है और ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है, तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो आप इस क्रीम को किसी भी तरह के एक्सफोलिएशन वाले सीरम या ट्रीटमेंट के साथ में यूज़ मत कीजिए। सपोज़ अगर आप केमिकल पील्स वगैरह करवा रहे हैं तो उस केस में आपको इस क्रीम को यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको इस क्रीम को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस क्रीम को लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस क्रीम के साथ अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आपको डेफिनेटली एक सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। मिनिमम SPF 40 आप यूज़ कीजिए एंड मैक्सिमम SPF 50 आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सनस्क्रीन डेफिनेटली आपको अप्लाई करनी चाहिए। एक सवाल आया था मेरे पास कि सनस्क्रीन रात में अप्लाई करें, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, तो मेरा यहाँ पर ये मतलब होता है कि जैसे अगर आप इसको रात में यूज़ कर रहे हैं तो जब सुबह उठते हैं और बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करके जाइए। क्यों अप्लाई करके जाइए? बिकॉज जो भी आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, सपोज़ आपकी स्किन थोड़ी बहुत फेयर होती है या ब्राइटन अप लुक आता है, तो अगर आप धूप में जाएंगे तो वो जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज आपकी स्किन टैन हो सकती है। इसीलिए टैनिंग से बचाने के लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे मत समझिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ करो तो रात में क्रीम लगाने के बाद आप सनस्क्रीन लगा के सो रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीज़ मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज इस तरह के कमेंट्स मेरे पास में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्रीम को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। प्राइसिंग का बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्राइसिंग बता दीजिए। तो प्राइसिंग के लिए मैं हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप परचेज़ कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अमेज़ॉन से बाय करना चाहते हैं अमेज़ॉन से कर सकते हैं, कुछ जो मेडिसिन वाले ऐप हैं आप उनसे भी जो है परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में तरफ से इतना ही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। एंड जो भी स्क्रीन को यूज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए, एंड जो भी आपका रिजल्ट मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो बाय।